आज हम आर्डुइनो उनो के स्टार्टर किट के बारे में जानकारी लेंगे। आर्डुइनो का माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोलर का किट है। यह arduino.cc इस वेबसाइट पर आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। यह इटली में बना हुआ डेवलपमेंट बोर्ड है, लेकिन यह ओपन सोर्स है, इसलिए हम इसे भारत में भी खरीद सकते हैं। amazon.in पर जाकर आप अगर आर्डुइनो उनो इस नाम से सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको आर्डुइनो का केवल डेवलपमेंट बोर्ड भी यहाँ पर ख़रीदने के लिए उपलब्ध है, लेकिन हमें इसके साथ ही अन्य कंपोनेंट्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अलग अलग तरह के जो सेंसर्स हैं और उसके साथ ही जो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रयोग करने के लिए रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, एलईडीज और स्टार्टर किट में मिल जाएंगे। तो अगर आपके पास में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टार्टर किट पहले से ही मौजूद है, तो अगर आप सिर्फ आर्डुइनो उनो का बोर्ड खरीदना चाहें तो आप अलग से इसे खरीद सकते हैं। अगर आपके पास में सारे कंपोनेंट्स नहीं हैं तो आप आर्डुइनो उनो स्टार्टर किट इस नाम से सर्च करें। तो यहाँ पर हमें बहुत सारी भारतीय कंपनियों द्वारा बनाए गए स्टार्टर किट दिखाई देते हैं। तो इसमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट इस तरह से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये ओपन सोर्स में है, इसलिए कोई भी कंपनी इसके सर्किट का इस्तेमाल करके और जो माइक्रो कंट्रोलर है, एटमेगा का माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल करके अपने देश में इसका किट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आर्डुइनो का ऑफिशियल स्टार्टर किट भी यहाँ पर मिलता है देखने के लिए, जो इटली में बना है और इस यह 7,750 रुपये लगभग इसकी कीमत है, लेकिन मैंने वह नहीं ख़रीदा है। मैंने क्वाड स्टोर अल्टीमेट आर्डुइनो किट, ये इस नाम का जो स्टार्टर किट है, वह ख़रीदा है। क्वाड स्टोर यह एक इंडियन कंपनी है और इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अन्य स्टार्टर किट्स की तुलना में इसमें कंपोनेंट्स ज़्यादा हैं और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो आप चाहे जिस कंपनी का स्टार्टर किट खरीदें, उसमें उसकी जो कीमत है वह उसके साथ आने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उसकी संख्या से तय होगी। तो जो छोटा किट होगा उसमें कम कंपोनेंट्स होंगे, बड़े किट में ज़्यादा कंपोनेंट्स होंगे। तो ये जो क्वाड स्टोर का बॉक्स है, इसमें लगभग 50 अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स हैं और यह है आर्डुइनो का डेवलपमेंट बोर्ड। यह एक एंटी स्टैटिक बैग में पैक किया होता है, उसे खोलने के लिए आपको कैंची से उस बैग को काट के खोलना होता है। आपने जो किट खरीदा है उसके ऊपर ज़रूरी नहीं कि आर्डुइनो उनो ही लिखा हो, वो अपने कंपनी के हिसाब से अलग नाम भी उसका हो सकता है। यह बोर्ड काफ़ी छोटा होता है, बिल्कुल आपके हाथ के ऊपर ये आसानी से बैठ जाएगा। इसके साथ एक यूएसबी केबल भी आपको मिलती है। इस यूएसबी केबल के हमें यहाँ दो पॉइंट्स हैं, एक थोड़ा सा चौड़ा है, तो जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो जाएगा कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में, और जो दूसरा वाला पॉइंट है ये जाएगा आर्डुइनो के इस कनेक्टर में। तो ये टाइप बी कनेक्टर है, ये आर्डुइनो के बोर्ड में फिट हो जाएगा। और जो चौड़ा वाला हिस्सा है ये टाइप ए कनेक्टर है, ये हम कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इससे आर्डुइनो को पावर सप्लाई मिलेगी और साथ ही हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे वह भी इसी केबल के थ्रू होगा। तो यहाँ पर हमें दो एलईडी दिखाई देते हैं। जो ब्लिंक करने वाला एलईडी है वह प्रोग्रामेबल है
और दूसरा जो है वो पावर ऑन दर्शाता है। तो अगर इस तरह से आपका एक एलईडी भी जलता हो तो आप समझें कि आपका जो बोर्ड है वो ठीक से काम कर रहा है। और इसके बाद हम जो इसका जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है वो इंस्टॉल करेंगे। अब आप arduino.cc इस वेबसाइट पर जाएं। अगर आपने कोई किट खरीदा हो और उसके साथ अगर एक डीवीडी आई हो तो उस डीवीडी में भी आपको उसका सॉफ्टवेयर दिखाई देगा। या फिर आप arduino.cc इस वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर डाउनलोड लिंक पर क्लिक कीजिए तो आप उस सॉफ्टवेयर का जो लेटेस्ट वर्जन है यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो डाउनलोड द आर्डुइनो सॉफ्टवेयर यहाँ लिखा हुआ है और राइट साइड में विंडोज़ इंस्टॉलर करके एक लिंक है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इंस्टॉलर आपके कंप्यूटर पर आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आप उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कीजिए। विंडोज़ के लगभग सभी वर्जन्स पर आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अब ये इंस्टॉल होने के बाद आर्डुइनो का ये शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो आर्डुइनो का जो सॉफ्टवेयर आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ओपन हो जाएगा। अब हम टूल्स में जाएंगे और टूल्स में जाके हम बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम arduino/genuino-uno इस बोर्ड को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये सॉफ्टवेयर आर्डुइनो के सभी अलग अलग तरह के बोर्ड्स के लिए कॉमन है। तो हमें इसमें से हम जिस बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे स्पेसिफाई करना होता है। तो हम आर्डुइनो जेन्युइनो उनो ये बोर्ड इस्तेमाल करते हैं। आपके बोर्ड के ऊपर चाहे जो नाम लिखा हो वो आर्डुइनो या जेन्युइनो कंपेटेबल बोर्ड होगा और उसका जो ट्रेड नेम है वो अलग अलग हो सकता है, तो उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आर्डुइनो जो है वह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। यह सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सबसेट की तरह बनाई गई है। इसे इस तरह से बनाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रो प्रोसेसर के लिए जो प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं उनके लिए प्रोग्रामिंग करने में आसानी हो, इसलिए बहुत ही थोड़े से कमांड्स या फंक्शंस का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है और ये सीखने में भी काफ़ी आसान है। तो यहाँ पर इसके एक प्रोग्राम है जो इनिशियल प्रोग्राम इसमें हम कह सकते हैं इसे। तो इसमें दो फंक्शंस हैं, एक है सेटअप और दूसरा है लूप। तो सेटअप फंक्शन में पिन मोड 13, आउटपुट ऐसे लिखा हुआ है। तो आर्डुइनो का जो इसके जो डिजिटल पिन्स हैं उसमें 13 का एक पिन है। तो हमने यहाँ पर ये कहा है कि 13 के पिन को हम आउटपुट की तरह इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यही है, पिन मोड यह बिल्ट इन फंक्शन है और ये जो दो पैरामीटर्स हैं यहाँ पे हम पिन नंबर और इसे आउटपुट या इनपुट ऐसे दो दो में से कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 13 के पिन को आउटपुट की तरह इस्तेमाल करना चाहा है, तो उसका कुल मतलब इतना ही है। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वह लूप है। लूप में हमने दो कमांड्स इस्तेमाल किए हैं, डिजिटल राइट। अब इसमें 13 के पिन का हमने इस्तेमाल किया है, डिजिटल राइट 13, हाई। तो यहाँ पर हाई का मतलब है ऑन और लो का मतलब है ऑफ। तो इस कमांड के इस्तेमाल से हम जो एलईडी को जाने वाला जो पावर सप्लाई है वह यहाँ से हम कंट्रोल करेंगे। तो हाई करने से वो ऑन हो जाएगा और लो करने से वह ऑफ हो जाएगा। तो इसे होगा ये कि जो प्रोग्रामेबल एलईडी जो है आर्डुइनो के बोर्ड के ऊपर वह चालू बंद हो जाएगा और ऑन ऑफ के बीच में हमने यहाँ पर एक डिले दिया है। तो डिले यह मिली सेकेंड्स में होता है। तो 100 का मतलब 100 मिली सेकेंड्स और 1000। तो इस प्रोग्राम से हम आर्डुइनो के बोर्ड के ऊपर जो एलईडी हमें दिखाई देता है उस एलईडी को हम ब्लिंक करेंगे।
प्रोग्राम लिखने के बाद राइट वाले आइकॉन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको वेरीफाई बटन कहते हैं। यहाँ पर क्लिक करने पर कंपाइलिंग स्केच करके नीचे की ओर हमें मैसेज दिखाई देगा। तो नीचे हमें मैसेजेस दिखाई देंगे, अगर प्रोग्राम में कोई गलती हो तो वो भी यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये कंपाइलेशन पूरा हुआ है और ये मैसेज है कि आपके प्रोग्राम में कितने बाइट्स हैं और कितना स्पेस इस्तेमाल हुआ है वगैरह वगैरह, और डन कंपाइलिंग ऐसे हमें यहाँ लिखा हुआ दिखाई देता है। तो ये मैसेज आने पर हम प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर अपलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए दूसरा बटन है एरो वाला, राइट एरो वाला, ये बटन क्लिक करने पर आप इसे अपलोड करेंगे। लेकिन ये याद रहे कि इस समय आपका आर्डुइनो का बोर्ड जो है वो कंप्यूटर से यूएसबी केबल के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए। अब ये बटन दबाने पर कंपाइलिंग स्टैक्स और फिर अपलोडिंग और डन अपलोडिंग, अब ये डन अपलोडिंग करके मैसेज मिल दिखता है हमें। जैसे ही ये अपलोडिंग पूरा हुआ तो उसका इफ़ेक्ट जो है ये आर्डुइनो के बोर्ड के ऊपर दिखाई देता है। तो ये जो एलईडी हमें दिखाई दे रही है ये एक एक सेकंड के लिए जलने और बुझने के बीच में एक एक सेकंड का फासला है यहाँ पर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है कि आपका आर्डुइनो का बोर्ड और उसका सॉफ्टवेयर दोनों भी ठीक ठाक से चल रहे हैं। तो अगर इतना आपने कर लिया तो आपका बोर्ड ठीक तरह से चल रहा है, और फिर अगले वीडियो में हम इसके कुछ और एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। Thanks for watching PD Vlogs. Please subscribe my channel and click on bell icon.